हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोट डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद कैसा महसूस करते हैं, दूर जाने के बाद आपसे उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें आती हैं, चलती हैं। तो वो चीज़ें आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देख रहे हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, ठीक है। बावजूद उसके आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है, वो ऐसा सोच नहीं सकते, ऐसा कुछ है नहीं, तो ऐसा ही होगा। लेकिन बेकार के कमेंट्स आपको यहाँ पर नहीं करने हैं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जिन लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग पर भरोसा नहीं है, बिलीव नहीं है, वो लोग कृपया करके यहाँ पर ना आए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं और जान लेते हैं कि दूर जाने के बाद क्या सोचते हैं, क्या कुछ इनके मन में चलता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी hindi tarot deck 222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए, नमस्ते, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए दूर जाने के बाद व्यूअर्स के पर्सन के मन में, के दिल में क्या चलता रहता है, किस तरह के थॉट इनके मन में आते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। देखिए, आपसे दूर जाने के बाद सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन मूव नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कोई मूवमेंट ना तो इनकी लाइफ में हुआ है और ना ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं। अगर ये आपको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ये दिखा रहे हैं कि आपसे मूव ऑन कर गए या करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, तो बेसिकली ये सब इनकी तरफ से नाटक है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। कल भी ये यहीं थे, आज भी ये यहीं हैं, किसी तरह का मूवमेंट इनकी लाइफ में नहीं हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपसे दूर तो चले गए, लेकिन ये पर्सन ना आज भी आपको याद करके काफ़ी ज़्यादा बेचैन होते हैं। आज भी ये आपके साथ के लिए वही पैशन, वही जुनून रखते हैं, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपसे दूर तो चले गए, लेकिन इनका मन ना काफ़ी भटका भटका रहता है, क्योंकि इनका जैसे आपके बिना मन नहीं लग रहा हो, आपकी यादें इन्हें इमोशनली वीक करती हैं, इन्हें कहीं ना कहीं ऐसे फील कराती हैं जो भी आपने इन्हें दिया है इस रिश्ते में, कि आपने ना इन्हें इमोशनली नरिश करा है। आपका जो केयर था, आपका जो सपोर्ट था, वो बेसिकली एक नरिशमेंट था इनके लिए। तो दूर जाने के बाद सबसे पहली चीज़ तो जो भी आपने इनका ख्याल रखा है ना, वो ख्याल इन्हें याद आता है और वही चीज़ें इन्हें मूव नहीं करने देती, वही चीज़ें ना इन्हें बार बार आपकी तरफ आने के लिए फोर्स करती हैं। तो अगर कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ करते हैं, तो उसकी वजह यही है कि ये इमोशनली आपका नरिशमेंट जो आप इन्हें देते हो, वो ये लेने के लिए आते हैं, उससे चार्ज होते हैं बेसिकली ये पर्सन। यहाँ पर लेटर JUC ये सब दिखाई दे रहे हैं जो आपके पर्सन से रिलेट करते होंगे या आपसे भी रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली दूर जाने के बाद ही तो इन्हें ये समझ में आया है कि आपका प्यार जो भी था वो टाइम पास नहीं था, आप कोई फ्लर्ट इनसे नहीं कर रहे थे, आप सीरियसली इनसे प्यार करते थे, क्योंकि आपके प्यार में वो सच्चाई डेफिनेटली इस पर्सन को समझ में आ रही है।
ठीक है, वो बात और है कि ये चीज़ें इन्हें देर से समझ में आई, दूर जाने के बाद समझ में आई, लेकिन इन्हें डेफिनेटली आपकी करी हुई चीज़ें, आपकी सच्चाई इन्हें समझ में अच्छे से आ चुकी है। दूर जाने के बाद जितना ज़्यादा इस पर्सन को आपकी अहमियत समझ में आ रही है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आत्मविश्वास को खो रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन एग्रेसिव हो रहे हैं। आप फ्लेम देखिएगा, जैसे कि अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा हो। मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि एक वक्त पे इस पर्सन ने आपसे काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव करा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी इस रिश्ते में इन्होंने फैलाई है, और उस टॉक्सिसिटी की वजह से या तो आप इनसे कट ऑफ हुए हो, या फिर ये पर्सन उस टॉक्सिसिटी के फैलाने के बाद आपसे दूर हुए हैं। तो ये पर्सन उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ज़्यादा इन्हें अपने ऊपर गुस्सा आता है। आप फ्लेम देख सकते हो, उतना ज़्यादा इनकी एनर्जी अपने आप पर एग्रेशन दिखा रही होती है, यानी कि इनके मन में इस तरह की चीज़ें चलती हैं कि एक्चुअली में आप वो चीज़ें डिज़र्व करते नहीं थे जो इन्होंने आपको सर्व कर दी, जो इन्होंने आपको दे दी। तो वो चीज़ें अब इस पर्सन को खुद से परेशान करती हैं, खुद से अपने आप पर गुस्सा दिलाती हैं। आप तो क्या इनके ऊपर अब गुस्सा जाहिर करोगे, ये पर्सन दूर जाने के बाद अपने आप पर ही फ्रस्ट्रेट होते हैं, अपने नेचर पर ही इन्हें गुस्सा आता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही हैं। मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि एक वक्त पे इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में काफ़ी इमैच्योरिटी दिखा दी, और वही इमैच्योरिटी इन्हें दूर जाने के बाद समझ में आ रही है कि इन्होंने कितना इमैच्योरली डिसीजन लिया, इन्होंने कितना इमैच्योरली बिहेव किया है। तो दूर जाने के बाद बेसिकली इस पर्सन को अपनी चीटिंग, अपनी करी हुई बातें, अपनी झूठी सच्ची बातें, उन सब चीज़ों का रियलाइजेशन इस पर्सन को बेहद ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये पर्सन अब उन हालातों में पहुंच चुके हैं जहां पर ये खुद से कुछ चीज़ें कह नहीं पा रहे हैं। देखिए, आप जैसे कि एकदम साइड में जाकर बैठ गए हों, समझ में आ रहा है अपनी चीटिंग, अपनी मक्कारी, लेकिन फिर भी साइड में कॉर्नर में जाकर बैठ गए हैं। जितना ज़्यादा ये दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आपकी यादें, आपके साथ बीते हुए पल, एक एन्जॉयमेंट, जो भी आपने करा था अच्छे पल, वो इन्हें याद आते हैं, वो इन्हें आपकी तरफ खींच रहे हैं। तो वो यहाँ पर दिख रहा है। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को सिर्फ अच्छे ही पल अब याद आते हो, इस पर्सन को अपनी कमियां नज़र आती हैं, तो बुरे पल या टॉक्सिसिटी जो भी इन्होंने फैलाई वो भी याद आती है। दूर जाने के बाद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ये सोचते हैं कि ये इनके लिए ऐसा वक्त है जिसमें इन्हें अपने आप को अकेला ही रखना चाहिए, यानी कि अब ये पर्सन अपने आप को आइसोलेट एनर्जी में या हर्मिट एनर्जी में ज़्यादा रखना चाहते हैं, यानी कि अकेला थकेला, एक ऐसी एनर्जी जैसे कि इनके मन में ये चीज़ें सेट हो गई हो कि ये कोई भी रिश्ता सही से निभाना जानते ही नहीं है, रिश्ते में हमेशा इन्होंने इमैच्योरिटी दिखाई है। तो उस चीज़ को लेकर इनका अब कॉन्फिडेंस पूरी तरह से मर चुका है, ये यहाँ पर है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि ये पर्सन अपनी तरफ से आने की बजाय अपने आप को एक शेल्टर में रख रहे हैं, यानी कि अपने आप को सेफ और सिक्योर रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो एनर्जीज यहाँ पर है। मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन दूर तो चले गए, लेकिन इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि इन्होंने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं कि अब ये उन्हें सॉल्व कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं अब ये, ठीक है। तो वो चीज़ें भी इन्हें काफ़ी डिस्टर्ब करती हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन ना ज़्यादा घुलना मिलना, किसी से बातचीत करना ये प्रेफर नहीं कर रहे हैं, एकदम कॉर्नर में जाकर बैठ जाते हैं, बस आपकी यादें आ रही हैं तो उनमें खो रहे हैं, आपकी यादों में खो रहे हैं। तो वो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। ये लेटर जी है, एल लेटर है, नंबर 7, यानी कि जुलाई मंथ काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि इस पर्सन के मन में ये चीज़ें चलती हैं कि इन्होंने एक ऐसी साइकिल क्रिएट करी
जिसको अब ये खुद ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। एज एन जैसे इन्होंने ये जो दूरियाँ क्रिएट करी हैं, अब ये उन दूरियों में खुद अटक कर रह गए हैं। एज एन देखो आप, ये सर्किल बन सकता था, लेकिन अब ये ना आगे बढ़ पा रहे हैं, पूरी तरह से रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं, और ना ये पूरी तरह से रिश्ते में पीछे बैक कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं बहुत ज़्यादा, दूर जाने के बाद तो स्पेशली। दूर जाने के बाद ही इन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा है, और डेफिनेटली जब एक बार भरोसा टूट जाता है तो उसे वापस से जोड़ पाना, वापस से वही भरोसा लेकर आना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये पर्सन ना उन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं जो शायद आप इन्हें समझाना चाह रहे हो अपने शब्दों से, लेकिन ये पर्सन बिना आपके शब्दों के उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और इसीलिए ये पर्सन आ भी नहीं पा रहे हैं। तो वो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। मुझे एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा रूड हो गए हैं, इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ हो गया है। तो एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि ना अभी अपनी ज़िंदगी से काफ़ी रूखे रूखे रहने लगे हैं, किसी भी चीज़ में इन्हें अच्छा नहीं लग रहा, इन्हें सुकून नहीं मिल रहा है। और एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि अब ये पर्सन ना आपके साथ जो भी अच्छे पल थे वो, और आज के जो पल हैं दूर जाने के बाद, उनमें बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं, और जितना ज़्यादा ये कंपेयर करते हैं ना उतना ज़्यादा ये पर्सन वहीं पर स्टक हो जाते हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को ना स्टक हुआ हुआ फील करने लगते हैं। इन्हें ये लगने लगता है कि इन्होंने बहुत चीज़ें बदल दी, इन्होंने एकदम से अपनी लाइफ में इतनी तेज़ी से बदलाव लेकर आए हैं कि अब इन्हें रियलाइज़ हो भी रहा है तो भी ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत चलती हैं। इनको अब ये भी लगता है कि शायद अब आपके दिल में इनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं बचा, एज एन पहले जो कभी हुआ करता था, जो आप कभी बीच बीच में इन तक रीच आउट करने की कोशिश कर लिया करते थे। तो इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि शायद अब वो भी बाकी नहीं बचा है, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे करे हैं। यानी कि इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि अब आप इन पर 1% भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, और अगर ये बाय चांस आपकी तरफ बढ़ भी जाते हैं तो अब आप इन्हें झूठा डिक्लेयर कर दोगे, या आप इन पर कहीं ना कहीं गुस्सा होगे। आप फ्लेम देखिएगा, जैसे कि आप इन पर भड़भड़ाओगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन इन पर निकालोगे। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं, वो डर इनके मन में चलता है, और कहीं ना कहीं उसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना आपकी तरफ इतना कुछ रियलाइज़ होने के बाद भी आ नहीं रहे हैं। पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी है कि रियलाइजेशन है लेकिन मुँह से नहीं बकार रहे हैं। तो आप जिस चीज़ से कनेक्ट हो पा रहे हैं बस वही बात आप लीजिएगा, एज इन की चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपकी अहमियत समझ में आ रही है, अपनी गलतियाँ समझ में आ रही हैं, लेकिन उसे अपने मुँह से नहीं बकारना चाह रहे, बोलना चाह रहे हैं। तो कुछ लोगों के केस में ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बेसिकली एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि दूर जाने के बाद इस पर्सन को इतना तो समझ में आ गया है कि ये आपके बिना टुकड़ों में बटकर रह गए हैं, ठीक है। एज एन इनकी लाइफ एकदम अधूरी हो गई है, आप ही के साथ ही पूरे हो पाते, कंप्लीट हो पाते, लेकिन देखिए आप जैसे टुकड़ों टुकड़ों में बटकर इनकी लाइफ, इनकी सोच रह गई है। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, तो ये भी यहाँ पर दिख रहा है। और देखते हैं टैरो से, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए दूर जाने के बाद व्यूअर्स के पर्सन के एनर्जीज बताइए। द मून गाइड कीजिए, बताइए दूर जाने के बाद इस पर्सन की एनर्जी, सोच द हर्मिट गाइड कीजिए, बताइए पेज ऑफ सोच दूर जाने के बाद व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, जिनकी सोच गाइड कीजिए, बताइए नाइन ऑफ सोच गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स एस ऑफ सोर्स गाइड कीजिए, बताइए दूर जाने के बाद इस पर्सन की एनर्जीज कैसा महसूस करते हैं ये गाइड कीजिए, बताइए फॉर्चून गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स एम्प्रेस
क्या देख रहा है यूनिवर्स, टू ऑफ वांड्स, गाइड टीचर बताइए, एक कार्ड और टीचर बताइए, सेवन ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे उन्हीं पर्सन की होगी जिनको ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जैसे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। उसके अलग यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, पाइसेस, वर्गो, लियो, और ये आपकी सजिटेरियस की एनर्जी हो चुकी है। ये आपकी हो गई टॉरस की एनर्जी, ठीक है। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि जिस पर्सन को ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आप लोगों के बीच में एज गैप है या फिर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर हैं जिसके बारे में ये अब सोचते हैं दूर जाने के बाद। नंबर 9 यानी कि आपका सितंबर मंथ बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है, एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप मिले थे, बिछड़े थे, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। देखिए बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन हालांकि स्ट्रेंथ बहुत जुटा रहे हैं, हिम्मत बहुत जुटा रहे हैं कि ये सब चीज़ें डील कर रहे हैं, डील कर लेंगे, लेकिन बेसिकली ये पर्सन डील कर नहीं पा रहे हैं दूर जाने के बाद, यानी कि अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को या जो इन्होंने खो दिया है उन चीज़ों को बेसिकली ये पर्सन नहीं संभाल पा रहे हैं, उन चीज़ों को याद कर करके रोते अभी भी हैं, परेशान अभी भी होते हैं। और पॉसिबिलिटी है जिस दिन याद आ गई ना पूरी रात इनकी काली हो जाती हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इन्हें याद आता है या समझ में आता है कि ये अब उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां पर इन्होंने चीज़ों को पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर कर दिया है, आपको अपने आप से इतना दूर कर दिया है इन्होंने कि आपका वापस से इनके पास आना या इनका आपके पास जाना इम्पॉसिबल, नामुमकिन हो गया है। तो वो चीज़ें ना इन्हें बहुत परेशान करती हैं, और जब ये चीज़ें इनके मन में एक बार आ जाती है ना तो वो जाती नहीं है, पूरी रात ये उसी चीज़ को सोचते रहते हैं। हालांकि एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मन में छोटी सी होप रखते हैं कि नहीं कुछ तो होगा, कोई तो मिरेकल होगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। दूर जाने के बाद ही ये आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या फील करते थे या ये रिश्ता कितना अहमियत था, कितना वैल्यूएबल था, वो चीज़ों का रियलाइजेशन या उन चीज़ों की क्लियरिटी अब इनके दिमाग में अच्छी खासी हो चुकी है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है दूर भले चले गए लेकिन नज़रें आपके ऊपर ही हैं, तलाश आपके ऊपर ही है, ढूंढ आप ही को रहे हैं, ये भी यहाँ पर है। मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो यहाँ पे भी बताई थी कि इन्होंने खुद से जो चीज़ें क्रिएट करी हैं उस चीज़ को लेकर अब चीज़ को सोच करना बहुत डिस्टर्ब भी होते हैं, यानी कि डेफिनेटली पास्ट में इस पर्सन ने आपको दरकिनार करा, आपको साइड में करा और आपसे दूर जाने का इन्होंने डिसीजन लिया। यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स भी दूर जाने की एनर्जी दिख रही है, एक चीटिंग भरी एनर्जी दिख रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि छुप छुपा कर आपकी लाइफ से गए हो, झूठ बोल कर आपकी लाइफ से गए हो और आपसे बहुत सारी बातें छुपा कर आपकी लाइफ से गए हो। तो इस डिसीजन के बारे में जब भी ये पर्सन सोचते हैं ना अब दूर जाने के बाद, तब तब ये परेशान होते हैं, तब तब ये डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इन्हें आपके साथ की अब अहमियत समझ में आ रही है। आपने जो भी इस रिश्ते में ने दिया है प्यार, इमोशनली नरिश जो करा है, बैलेंस जो दिया है, जो हमेशा आप इनका हाथ पकड़कर इनका साथ देते थे, तो वो चीज़ें अब इन्हें समझ में आती हैं, वो चीज़ें जब भी याद आती हैं तो ये आपके लिए अट्रैक्ट होते हैं, तो वो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं दूर जाने के बाद अब ये पर्सन क्या सोचते हैं, गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स, दिस कुड बी द वन, यानी कि ये समझ गए हैं ये चीज़ें तो आप ही इनके लिए बने हो या इनके लिए आप ही बने हो, इन चीज़ों को ये पर्सन भली भांति समझ गए हैं। पॉसिबिलिटी है ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं और इस कनेक्शन के बारे में ये पर्सन दूर जाने के बाद ही समझे हैं, ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। पैशन,
दूर जाने के बाद इनका अट्रैक्शन, इनका पैशन पहले जैसे बढ़ता जा रहा है या उससे भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये यहाँ पर दिख रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी तो इन्हें हो चुकी है। रिलीजियस फैक्टर, पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जो आपसे दूर गए हैं, चुपचाप दबे पाव गए हैं या जाने का जो भी डिसीज़न लिया है, उसके पीछे की वजह रिलीजियस फैक्टर हो। एज इन कि आप लोगों की कास्ट, ट्रेडिशंस, परंपराएं, ये सब डिफरेंट हो और अब ये पर्सन उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि क्या ये चीज़ें इतनी मैटर करती हैं या फिर आपका साथ वो ज़्यादा मैटर करता है। अब इनके दिल में आपके लिए वो फीलिंग्स, वो जज्बात भर भर के उमड़ रहे हैं जो कभी एक वक्त पे इन्होंने मार दिए थे, या आपको तो यही दिखाया था कि इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तभी तो ये दूर गए थे। तो वो चीज़ें अब इनके मन में और ज़्यादा उभर रही हैं। अट्रैक्शन फिर से आया है, विद इज़ द एम्प्रेस एंड अट्रैक्शन। तो बेसिकली दूर जाने के बाद इन्हें आपके लिए एक्चुअली में क्या फील होता है या क्या फील हो रहा है, उन चीज़ों की अहमियत समझ में आ रही है। अब ये समझ रहे हैं प्यार क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, पैशन क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, इन सब की परिभाषाएँ अब आपके पर्सन समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है स्ट्रेंथ की, हिम्मत भी खो रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली जाने का डिसीज़न इनका था। अब उस डिसीज़न को लेकर बैठकर रोते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। चलिए देखते हैं आखिर अब आपसे कहना क्या चाह रहे हैं दूर जाने के बाद, इनके मन में क्या है जो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई ऑब्सेस ओवर यू, तो ये पर्सन अब आपको पागलों की तरह प्यार करते हैं, आपका साथ इन्हें पागलों की हद तक चाहिए, पैशन एंड ऑब्सेस ओवर यू, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये पर्सन कह नहीं पा रहे हैं, ये भी यहाँ पर है। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, तो इन चीज़ों का रियलाइजेशन इन्हें डेफिनेटली दूर जाने के बाद हुआ है और कहना चाहते हैं कि यार मैं रियली बहुत बुरा था या थी कमिटमेंट को निभाने के मामले में। आई थिंक अबाउट यू, दूर जाने के बाद ही तो बस और बस आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, इस साथ के बारे में सोचते हैं, तभी तो सारी परिभाषाएं इन्होंने देख ली। आई एम सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू यू, तो अगर आप लोग फिजिकली रिलेशनशिप में आए हैं तो डेफिनेटली अब ये पर्सन आपके लिए सेक्शुअली भी अट्रैक्टेड होते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दिया है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन का दूर जाने के बाद। You are the only person who truly gets me. अब इन्हें समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में आप ही वो पर्सन थे जो इन्हें जान पाए थे। कब ये भावुक हो रहे हैं, कब इन्हें गुस्सा आ रहा है, कब ये नाराज़ हो रहे हैं, तो हो सकता है आप ना इनके बिना कुछ बोले समझ जाते थे कि भाई अब इनके मन में क्या चल रहा है। तो वो चीज़ें इन्हें अब समझ में आ रही है कि आप वही इंसान थे जिन्होंने इनके बिना कुछ कहे चीज़ों को समझा, तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू, अब आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत अब जवाब दे रही है इनकी। आई वॉन्ट टू टच यू, आपको महसूस करना चाह रहे हैं, टच करना चाह रहे हैं। आई नीड यू, अब इन्हें आपकी ज़रूरत है अपने बुरे वक्त में। डेफिनेटली इन्हें समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए क्या कर सकते हो और आप इनके लिए क्या हो। Ever since I met you, nobody else is worth thinking about. अब कहना चाह रहे हैं आपसे कि जब से आपसे मिले हैं और जब से आपसे दूर गए हैं, जब ये इन चीज़ों का कंपेयर करते हैं तो इन्हें समझ में आता है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा वैल्यूएबल थे, यानी कि आपकी अहमियत। इट रियली वॉज मी नॉट यू, तो अब इन्हें समझ में आ रहा है कि सब तोड़फोड़ करने वाले ये थे, आप नहीं थे। डिसीजंस लेने वाले ये थे, आप नहीं थे। तो ये पर्सन अब आपसे ये कहना चाहते हैं दूर जाने के बाद, लेकिन स्ट्रेंथ कौन लाए, साहस कौन लाए, वो चीज़ें इन्हें खुद से नहीं पता है। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज कि दूर जाने के बाद अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।